राजीव कुमार एडवोकेट है। क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे कि संविधान में आज भी राम और हनुमान की फोटो है, जबकि बाबा साहब उसे हनुमान जी को नहीं मानते थे। जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया है कि जो जो राम और हनुमान की फ़ोटो है, जबकि जो संविधान कमेटी थी और संविधान कमेटी में जो ये पास हुआ, जब हम उसकी प्रस्तावना संविधान की पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्ताव ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एक संविधान की परिकल्पना की गई है, जिसमें ये कहा गया कि संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी धर्म के सापेक्ष उसमें कोई भी वर्ग या कोई भी धर्म के प्रति उसमें कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि जो राम की और हनुमान की तस्वीर उसमें लगाई गई हैं वो बिल्कुल संविधान के विपरीत हैं, क्योंकि संविधान सभी धर्मों को समानता देता है, सभी धर्मों को उसमें जो उसके अनुच्छेद हैं उसमें जो 19 से लेकर के 32 तक जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद ये कहते हैं उसमें समानता का अधिकार है, उसमें सभी को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं बनाने का अधिकार है, सभी को उसमें किसी भी धर्म जाति के आधार पर, किसी के अंदर जो अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है किसी धर्म जाति और लिंग के आधार पर जो है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो ये बिल्कुल संविधान के विपरीत है, उसमें किसी धर्म के फोटो हनुमान या राम का फोटो नहीं होना चाहिए। अगर फोटो हों तो फिर सभी धर्मों के जो देवी देवता हैं, सभी धर्मों के वो हैं, उनके सबके होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये संविधान के विपरीत जाता है तो इसलिए अगर राम के और हनुमान के फोटो हैं तो वो संविधान से हटने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आज की ये सरकार है, जो भारत की सरकार है, वो कहीं ना कहीं आज अनुसूचित जाति जनजाति जो पिछड़ा वर्ग है उसके खिलाफ ये काम कर रही है। आपने देखा होगा आज हम यहाँ संसद भवन पर आए हैं, संसद भवन पर जो पिछले सालों तक भीड़ हुआ करती थी, संसद भवन पर मंच लगा करता था, जो संसद भवन पर जो बाबा साहब के मिशन से संबंधित गाने चला करते थे, उन सबको उस सबको सरकार ने ख़त्म कर दिया है, जो कि सरकार को कहीं ना कहीं सरकार एक अपनी द्वेष भावना से अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति ये काम कर रही है, क्योंकि संविधान को सब लोगों ने पढ़ लिया है, सभी लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े लोगों ने अपने अधिकार और अपना जो अधिकार और सम्मान है वो जान लिया है, इसलिए कहीं ना कहीं वो हक और अधिकार की बात करने लगे हैं, तो ये सरकार जो है उसके खिलाफ काम कर रही है। और ये राम और हनुमान की जो फोटो है वो कहीं ना कहीं उसमें से हटनी चाहिए, वो बहुत ही संविधान के खिलाफ है।